पॉलिटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पढ़लिंग में। तो आज की हमारी वीडियो लेक्चर है मैथ थर्ड के ऊपर। आज हम इस वीडियो में मैथ थर्ड की सिलेबस को समझेंगे। तो मैथ थर्ड आपने अगर आप इंटरमीडिएट से पढ़े होंगे तो आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा आव्यूह, तो उसी के ऊपर पूरे सवाल डिपेंड है। आव्यूह की परिभाषाएँ आती हैं, आव्यूह का बीजगणित रूप आता है, प्रारंभिक पंक्ति, स्तंभ एवं रूपांतरण। तो आप भी उसमें 2 से 5 नंबर, कभी कभी लॉन्ग में 10 नंबर का भी आ जाता है, 7 नंबर के, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे आव्यूह के प्रकार। तो इसमें आव्यूह के प्रकार लेकर इसमें आपकी परिभाषा जरूर आती हैं, 2 नंबर की 5 नंबर की कभी कभार परिभाषा लॉन्ग में आ जाती है। आइगन तथा कैमी हिल्टन प्रमेय, ये आपने इंटर में नहीं पढ़ा होगा, ये आपका अलग पार्ट है जो आप पॉलिटेक्निक में ही पढ़ेंगे कि आइगन तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय। अगला टॉपिक हमारा है साधारण अवकल समीकरण। ये तो आपने इसका कुछ पार्ट आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा होगा कि साधारण अवकल समीकरण होते क्या है। अब लेकिन आपको यहाँ से सबसे नए तरीके के आपको अवकल समीकरण सीखने को मिलेंगे। या तो आप बीएससी करें तब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आपको पॉलिटेक्निक में इस तरह क्वेश्चन लॉन्ग में डेफिनेटली इससे 5 से 7 नंबर या 10 नंबर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए, प्रथम क्रम के अवकल समीकरण, उच्च कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के अवकल समीकरण एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशंस एंड द हायर ऑर्डर इक्वेशंस ऑफ द डिफरेंस समीकरण। अवकल समीकरण के सरल यानी कि एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगला टॉपिक हमारा है अवकल गणित। अवकल गणित यानी पुनरावृत्ति, रिपीटेशन इसमें होता है, यानी कि अवकल किसी पार्ट का अवकल यानी कि आपने डिफरेंशिएशन किया उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड सवाल होते हैं, सम्स होते हैं। अगला हमारा 2 चरों के रैखिक समीकरण, इसमें आपके 2 फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड सम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्शियल अवकलन, ये आपका गारंटी से 5 नंबर से कम क्वेश्चन इसमें आता नहीं कभी, हर साल इसमें क्वेश्चन पूछे आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आप आंसर अवकलन, जैकोबियन, डाइवर्जन ग्रेडियंट एवं कर्ल, इस तरह के चैप्टर आपके हर साल एग्जाम में आते हैं। तो आपने इन चैप्टर को मान लीजिए इतने चैप्टर अगर आपने आसानी से पढ़ लिए तो आसानी से 35 नंबर का आपको पोर्शन कवर हो जाते हैं यहाँ तक। इसके बाद हमारे और चैप्टर आते हैं जो कि अगले चैप्टर से हमारे सदिशों के समाकलन है इसमें हमारे। नेक्स्ट हमारा समाकलन, आपने समाकलन इंटर में पढ़ रखा होगा लेकिन यहाँ से थोड़े अलग तरह के समाकलन आते हैं जो थोड़े इनका लेवल अच्छा हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट हमारा बीटा और गामा फलन, फोरियर श्रेणी और लाप्लास, इन दो को तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, कम से कम 10 नंबर तो समझ लीजिए कि पूरे मैथ में आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आपके लगभग आ जाएंगे लाप्लास और फोरियर से। नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या, हमारा प्रायिकता और सांख्यिकी। प्रायिकता और सांख्यिकी से हमारे लगभग 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन में भी लॉन्ग में या शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर या 2 क्वेश्चन में आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आपको प्रायिकता के मिल जाएंगे। बंटन और सतत यानी कि स्टैटिक्स आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। चलिए दोस्तों, आपको इसके बाद हम एग्जाम का पैटर्न समझाते हैं कि हमारे मैथ थर्ड का एग्जाम कैसे है, यानी कि पेपर उसका कैसे आता है। तो देखिए, तो हमारा ऑट सेमेस्टर 2019 का एग्जामिनेशन का आपको पेपर देख रहा होगा उसमें सामने, ठीक है सामने देखिए। तो इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, तो इनमें आपको किन्हीं 10 भागों को आपको हल करना होता है, ये आपको टोटल क्वेश्चन दिए, इनमें आपको 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं पहले प्रश्न में। और सेकंड प्रश्न में हमारे आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं, तो इनको आपको किन्हीं 5 भागों को हल करना होता है इनमें से। अगला पॉइंट हमारा प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, इसमें आपके देखिए 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको हल करने के लिए आते हैं इसमें। और अगला पोर्शन हमारा लास्ट इसमें 4th सेक्शन में हमारे आते हैं 5 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। तो आप एक बार दोबारा से इसको पेपर देख लीजिए अच्छे से, इस पार्ट में देख लीजिए, आपको कुछ क्वेश्चन इसमें देख रहे होंगे। इस तरह से आपका एग्जाम का पैटर्न होता है। पॉलिटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।